नमस्कार, जय हिंद आप सभी साथियों को। आप देख रहे हैं G20 न्यूज। पता होगा कि लगातार जो है हम लोग NIO से डीलर को लेकर के लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और कई बार जो है लगातार हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अन्य अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में हम लोग लगातार गए और जाने के बाद जो है याचिका भी दायर किया। कई सारे डीलर अभ्यर्थी जो है अभी भी बहुत सारे डाउट क्वेश्चन लेकर घूम रहे हैं। जो 5 नवम्बर को जिस तरीके से मतलब जो होने वाला जो फैसला होने वाला है उसको लेकर के काफ़ी सारे छात्रों के बीच में घबराहट है कि 5 नवंबर का जो क्या रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा जो है नज़दीक आता है वो परीक्षार्थियों का बहुत से ज़्यादा टेंशन बढ़ता ही चला जाता है। उसी तरीके से एक टेंशन जो है 5 नवंबर का है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में मतलब जस्टिस गवई और जो है कई मनदीप कालरा जी और कई सारे जो है हालांकि जो है नोटिस जिस तरीके से गया हुआ था उस तरीके का रिजल्ट भी आने वाला है। कहा जाए तो जब जो 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है उसको लेकर के परीक्षार्थियों यानी शिक्षकों के बीच में घबराहट सी मची हुई है। सारे लोग ये तैयारी में हैं कि मैंने कैसा हो, भगवान के एक दया दृष्टि पड़ जाए, अल्लाह ताला के एक दया दृष्टि पड़ जाए जिसकी वजह से जो है हम लोग के पक्ष में जो है ये सुनवाई अच्छा हो और बेहतर हो। चूँकि हम लोग जो है आने वाले आगामी जो है जितना भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा उसमें हम लोग बैठ सके। आइए जानते हैं। एक जिस तरीके से मैंने NIO से रिलेटेड के केस को अध्ययन कर रहा था उसमें एक चीज़ मुझे देखने को मिला जो शायद मैं इस चीज़ के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैं पढ़वाना चाहता हूँ। अभी तो मैं क्या पढ़ूँ, मेरे अगल बगल काफ़ी सारे लोग हैं उनसे मैं पढ़वाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आइए आप, कोई भी आइए 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 आप आइए, थोड़ा इसको पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ के थोड़ा सा सुना दीजिए। हाँ पढ़िए पढ़िए, हम माइक पकड़े हुए हैं। यह 2 वर्ष का कोर्स है इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत करना है। चलिए करना है। हाँ ये वाला ऊपर वाला पढ़ के बता दें। सरकारी हाँ बोलिए, सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले प्रशिक्षित हाँ यहाँ पे क्या है, शिक्षकों को डीएलएड पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने मौका दिया है। चलिए यही जानना था कि जिस तरीके से भाई साहब ने पढ़ा, आप लोगों ने अच्छे से सुना कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से 8वीं तक पढ़ाने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को DLED यानी पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने एक अच्छा मौका दिया है। इस पर मेरा जो है कहीं ना कहीं कुछ सोच बूझ आने लगा, जिसको मैं चाहा कि मतलब आप लोगों के बीच बीच इस बात को शेयर करें। मुझे ये नहीं पता कि जब भारत सरकार जो है वहाँ पे एक अच्छा मौका दिया है ये अप्रशिक्षित शिक्षक को लिए, जो पहली से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, वो बच्चा ही नहीं एक शिक्षक थे जो ऑलरेडी ट्रेंड थे, दो वर्षों पहले से कहीं ना कहीं वो पढ़ा रहे थे और 2 वर्ष ही नहीं पहले कितने दिन पहले से कई सारे शिक्षक जो है कहीं ना कहीं जो है अपना सेवा दे रहे थे, वो निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो। लेकिन आपको पता होगा कि एक चीज़ जो है जो आपके मन में डाउट होगा और कई सारे जो कमेंट आप कर रहे हैं कि सर यही एक ही डिग्री है जिसमें 2011-12 में जो नियोजित शिक्षक थे उन लोगों को ट्रेंड मान लिया गया और फिर जो निजी विद्यालय के शिक्षक थे उससे वही डिग्री है, वही 2 वर्ष की डिग्री है, वही NIO DLED की डिग्री है जिसमें जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं 18 महीने के कोर्स को बताया जा रहा है, उस डिग्री पे कहीं ना कहीं कोई लोग नियुक्ति में हैं और कोई लोग नियुक्ति से बाहर हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाता है कि सर मैं अब हम लोग क्या करें, और ये सरकार का जो दोहरी नीतिकरण वाला जो फैसला है इसको लेकर के कई सारे छात्र जो है सरकार पर बिलीव करना ही छोड़ दिए हैं। उन लोगों का एक विश्वास उठ गया है कि क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का तस्वीर जिस पोस्टर पर लगे और वो पोस्टर पे लगने के बावजूद वो डिग्री इनवैलिड हो जाए, क्या भारत सरकार पे यानी माननीय नरेंद्र मोदी पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं। ये सारी मामला को लेकर के कहीं ना कहीं जो कई सारे जो है अप्रशिक्षित शिक्षक जो है प्रशिक्षण लिए और फिर अभी डाउट में है। जो डिग्री को भारत सरकार ने ही दिलवाया, जो डिग्री को कहीं ना कहीं भारत सरकार ने दिया NIO संस्था के थ्रू, और कहीं ना कहीं जहाँ पे अप्रशिक्षित शिक्षक थे और उन लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, वो शिक्षक जो है ट्रेंड हुए, उनकी डिग्री इनवैलिड हो जाए, ये कहाँ की बात है, कहाँ की न्याय है और ये कैसी न्याय है। आइए अब चलते हैं हम लोग की सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय पर। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश बैठते हैं और देश के सर्वोच्च न्यायालय हैं सुप्रीम कोर्ट, जिस पर कई सारे लोग ट्रस्ट करते हैं और उसका कोई भी किसी तरह का जजमेंट आता तो सारे लोग अटूट विश्वास करते हैं।
उस चीज़ को कैसे हम लोग अवहेलना कर सकते हैं, आइए जानते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ, अगर मेरी इसमें त्रुटि हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ, कि क्या आप मुझे ये बताइए जस्टिस महोदय, कि क्या जिस तरीके से इस डिग्री को रेडी करने में, इस डिग्री को करने में अपर शिक्षक शिक्षक थे और दो वर्ष की जो उन्होंने डिग्री किया 2017 से 2019, बताया जाता है कि 31 मार्च 2019 तक सारे लोग जितने भी अनट्रेंड टीचर हैं वो ट्रेनिंग कर ले, नहीं तो उसके बाद जो है कोई मौका नहीं मिलने वाला है और शिक्षक जो है तभी पढ़ा सकेंगे, या निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, जब वो प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे, यानी जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, जब वो ट्रेंड हो जाएंगे, जब ये सारे लोग ट्रेनिंग कर लिए, ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ, उसके बाद जिस तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के पास ये जब मामला गया, जब उन लोगों को जो है किस जब भी वैकेंसियाँ हो, यानी वो बिहार सरकार दे, झारखंड सरकार दे, वो महाराष्ट्र सरकार दे, मध्य प्रदेश सरकार दे, यानी कहीं से भी 28 राज्यों से कहीं भी वैकेंसियाँ निकल रही है, उसमें बैठने क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों उनको निष्कासित कर दिया जा रहा, क्यों बोला जा रहा कि NIS डीलेट डिग्री जो है इसमें वैलिड नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है, और NIS डीलेट वालों के लिए इस वैकेंसियाँ में शामिल नहीं किया जा सकता, आखिर क्यों? मैं न्यायालय से ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि सर आप जो है जब आप ये पोस्टर को देखे होंगे, एक पोस्टर जो आपके सामने होगा, इस पोस्टर को जब आप देखे होंगे गूगल पे आप सर्च करेंगे NIS डीलर, तो आपको खुल करके ये वाली पोस्टर आपको चली आएगी। और ये पोस्टर में जानते हैं सर क्या लिखा हुआ है? ये पोस्टर में यही लिखा हुआ है कि सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी स्कूलों में पहली से आठवीं तक पढ़ाने वाले अपर शिक्षित शिक्षकों को डीएलएड यानी पाठ्यक्रम मार्च 2019 तक पूरा करने का भारत सरकार ने एक अच्छा मौका दिया है। यहाँ भी जानकारियाँ देते हैं आपको कि यह दो वर्ष का कोर्स है, इसलिए रजिस्ट्रेशन तुरंत कराना है, और जो है रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी मेंशन किया था, शिक्षकों की मांग पर 7 नवंबर 2017 तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ और भी पढ़ने की कोशिश करेंगे हम कि रजिस्ट्रेशन के लिए NIS की वेबसाइट जो है, जिस तरीके की वेबसाइट डाला गया था www.nis.ac.in या dlet.nis.ac.in पे जा करके प्रवेश ले NIS डीलेट जो है मोबाइल एवं गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। प्रथम वर्ष के शुल्क था महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि 4500 रुपीज़ था, जो कि ऑनलाइन भरना था। क्या इस चीज़ को हम लोग भुला देंगे? मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी डिग्री को, जिन्होंने भी लिया है NIS डीलेट की डिग्री को, अपने आप को कहीं ना कहीं वो समझ रहा था कि हम लोग ये डिग्री लेने के बाद जो है ट्रेंड माने जाएंगे और कहीं भी किसी भी विद्यालय में हम लोग जा सकते हैं, किसी भी राज्य के वैकेंसी हम लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने बोला था कि यह डिग्री जो है पूरे देश, पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। इस डिग्री को करने के बाद आप कहीं भी किसी भी जो है वैकेंसियाँ में, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में बैठ सकते हैं। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि जो मैंने पूरे देश का जो सर्वोच्च जो है ये माना जाता है, वो मतलब सुप्रीम कोर्ट माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट से मैं मतलब एक आदेश ही मान करके, और मैं ये सलाह देता हूँ या जिस तरीके से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सर आप जिस तरीके से गूगल पे सर्च करेंगे NIS डीलेट, तो वहाँ पे निकल करके आपको आ जाएगी यह डिग्री जो है NCT और MHRD से मान्यता प्राप्त है। फिर आखिर इस चीज़ को, इस पोस्टर पे आपने सवाल अभी तक क्यों नहीं उठाया? आइए, नरेंद्र मोदी जी का फोटो, बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था, लगातार उस पर देख रहे थे कि जिस तरीके से पोस्टर निकला होता, पोस्टर पे नरेंद्र मोदी जी का जो है बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था, इसके बावजूद जो है बताया जा रहा था कि यह भारत सरकार ने एक अंतिम मौका दिया हुआ है कि यह डिग्री जब आप कर लेंगे तो देश के किसी भी राज्य में बैठने के काबिल हो जाएंगे शिक्षक पात्रता परीक्षा में। तो आप इस पोस्टर को क्यों नहीं देखे सर? और इस पोस्टर में दो वर्षीय डिग्री लिखा हुआ है, दो वर्षीय डिग्री कोर्स लिखा हुआ है, यह कोर्स दो वर्ष का है, क्यों आपका ध्यान सर इस पर नहीं गया? हालांकि NIS डीलेट के मार्कशीट पर या किसी भी जो है सर्टिफिकेट पर जब आप देखेंगे तो उस पर यह लिखा होगा कि यह डिग्री जो है दो वर्षीय डिग्री है, दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स है, दो वर्षीय डिग्री कोर्स लिखा होगा। फिर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर आखिर ये सारी सबूतों के बावजूद NIS डीलेट वालों की डिग्रियाँ किस तरीके से इनवैलिड कर दी गई है? ये असमंजस्य में सारे लोग, सारे परीक्षार्थी पड़े हुए हैं, और जिस समय अभी देखेंगे कि 5 नवंबर का जिस तरीके से बेसब्री से इंतज़ार है सारे शिक्षकों का, आखिर वो किस चीज़ का इंतज़ार है? क्या उनको किस चीज़ का प्रमाण देना पड़ रहा है? जिस तरीके से माता सीता जो है कहीं ना कहीं स्वच्छ थी, शुद्ध थी, फिर भी उनको राम के आगे भी है और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी,
जिस तरीके से वही हाल है ये एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का, जिस तरीके उनको डिग्री को डीएलएड 2 वर्षीय डिग्री भी लिखा हुआ है, 2 वर्षीय कोर्स भी लिखा हुआ है, या डिग्री करने के बाद या किसी भी राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी कोई कहे कि नहीं ये डिग्री आपका इनवैलिड है तो किस तरीके से आप मानेंगे। कोई शिक्षक को नियोजित कर दिया जाए और नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो जाए, उनको नियोजित मिल भी जाए, तब कहा जाए कि नहीं आप नियोजित में नहीं भागीदारी है, आप नियोजित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उसमें किस तरीके का असर उनके खुद पे पड़ेगा। इतना मेहनत करने के बावजूद जो है इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था एनआईएस डील्ड वालों को कि मैं रेगुलर कोर्स वालों को मैं बात करूं तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ा है जितना मेहनत जो है एनआईएस डील्ड वाले किए हुए हैं। ये सही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप किसी भी एनआईएस डील्ड वाले के बाद कुछ एनआईएस डीलर वालों को बुला करके अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या क्या मेहनत करना पड़ा था, वो अपने मेहनत को इस तरीके से जाहिर करेंगे, इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगे। फिर इतना मेहनत करने के बावजूद भी अगर डिग्री वैलिड हो जाए तो फिर क्या असर पड़ेगा उन अभ्यर्थियों पे, उन शिक्षकों पे कि जो 2 वर्षीय एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ला करके उन्होंने जमा किया था, मेहनत किया था, टीएलएम बनाया था, यानी वह जो है कहीं ना कहीं पद पर रहने के बावजूद वह कहीं ना कहीं वो टीचिंग कर रहे थे, उसके बावजूद भी जो है उनके मेहनत पे पानी फिर गया, क्या असर पड़ेगा उन सारे अभ्यर्थियों के ऊपर। कृपया 5 नवंबर के जिस तरीके से जो है जस्टिस होने वाला है, उन जस्टिस में मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ कि सर प्लीज़ एनआईएस के पक्ष में निर्णय लाया जाए, चूँकि एनआईएस डील वाले काफ़ी मेहनत किए हुए थे। तो मैं बार बार विनती करूँगा कि सर 5 नवंबर के दिन एक सबसे अंतिम दिन है, और कहा जाता है ना यही रात अंतिम, रही रात अंतिम, तो ये चीज़ सर ये रात अंतिम मान करके 4 नवंबर के दिन आप लोग अंतिम मान करके 5 नवंबर के दिन एक ऐसा निर्णय साबित करिए, एक ऐसा सफलता साबित करिए कि एनआईएस डीलर के पक्ष में हो, और कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे एक बहुत बड़ी खुशी दिखे और 28 राज्यों में बैठने का मौका मिले शिक्षक पात्रता परीक्षा के वीएस हो या जिस तरीके से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो, उन सारे डिग्रियों को सर वैलिड किया जाए। एनआईएस डीलर 2 वर्षीय डिग्री है, इस पर एक बार जाँच परख करके उन डिग्री को वैलिड किया जाए। जिस तरीके से आप लोग सारे G20 न्यूज पे देख रहे थे कि सारे एक 1-to-1 और बैक टू बैक सारे खबरें दिखाई जा रही है, हम और हमारी सारी टीम आपके साथ है। प्लीज़ आप जो है विश्वास बनाए रखें कि आपकी डिग्री जो है एक ना एक दिन जरूर वैलिड होगा, और एक जो है सीधा साधा एग्जांपल है कि 5 नवंबर के दिन आपकी डिग्रियाँ जो है पूरी तरीके से वैलिड होने जा रही है। आप सभी साथी जो है जिस तरीके से कई सारे लोग भी आपके साथ में हैं और वो बिलीव कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है कदम पे कदम मिलाकर चलिए, आपकी डिग्रियां जो है वैलिड जरूर होगी। 5 नवंबर का इंतज़ार करिए, और जितने भी साथी इस चैनल पे पहली बार हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।